Hello, what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about inheritance in TypeScript. जी हाँ guys, इस lecture में हम cover करेंगे inheritance को, तो चलिए guys शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था एक्सेस मॉडिफायर को, ओके. तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस, ठीक है. तो गाइज, इनहेरिटेंस आपको वैसे बता दूँ, सिंपल प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको 100% शॉर्ट डे के समझ आ जाएगी, ओके. तो मेन की जैसे गाइज, एक क्लास है पेरेंट क्लास, ओके, और एक और क्लास है जो उसकी चाइल्ड क्लास है, ओके. तो ये चाइल्ड क्लास है, उसके फंक्शंस को, मेथड्स को और फील्ड को एक्सेस कर सकती है, ओके. तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक इंडेक्स यानी कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर सोर्स hello.js, ठीक है. ये मैंने फाइल पहले से ही यानी कि फर्स्ट लेक्चर से ही मैं इसको यूज़ करता आ रहा हूँ, ओके. और hello.ts, ठीक है, ओके. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, क्लास मैं क्रिएट करूँगा, जो क्लास का नेम होगा वो होगा पेरेंट, ओके. और ये कर ली ब्रैकेट, ओके. यहाँ पर एक मीन के एक हम फील्ड लेते हैं, ठीक है. लेट्स से मैं कहता हूँ कि हेलो, ठीक है, हेलो अंडरस्कोर वन, ठीक है. और ये स्ट्रिंग, ओके, सेम. इस तरीके से एक पब्लिक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, गेट अंडरस्कोर पेरेंट अंडरस्कोर फंक, ओके. और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके. और यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करते हैं, सर आई एम पेरेंट, ओके. तो सेव, ओके. तो ये एक पेरेंट क्लास थी, ओके. इसी तरीके से गाइज, यहाँ पर मैं एक और क्लास लेता हूँ, उसका नेम होगा चाइल्ड, ठीक है. और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है. और इसमें एक पब्लिक फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन, ओके, ठीक है. तो ये मुझे नहीं चाहिए, गेट अंडरस्कोर चाइल्ड अंडरस्कोर फंक. और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके. और यह मैसेज, सर आई एम चाइल्ड, ओके, सेमी कॉलन सेफ, ठीक है. अब देखिए गाइस, जब भी आप इनके, अगर आप पेरेंट चाइल्ड केस यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस यूज़ करते, तो आप यूज़ करते हैं चाइल्ड में एक्सटेंड, ठीक है. तो एक्सटेंड, ठीक है. और फिर यहाँ पर आपका जो पेरेंट जो क्लास, उसका नेम, ठीक है. यहाँ पर पेरेंट नेम, ठीक है. मीन कि अब ये जो चाइल्ड क्लास है, ये एक्सेस कर सकती है इसके फंक्शंस और ये जो फील्ड, ओके, ओके. तो गाइज, मैं इस चाइल्ड क्लास का अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा. यहाँ पर सबसे पहले वार, ओके, चाइल्ड, ओके, हम लेते हैं ओबीजे, ओके. यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर चाइल्ड, ओके. नीचे आता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही गाइज मैं ओबीजे लिखूँगा, और जैसे ही डॉट रिप्रेस करूँगा, तो इंटेलिजेंस में गाइज आपको ये गेट चाइल्ड फंक, और ये गेट चाइल्ड पेरेंट फंक, और ये आपको प्रॉपर्टी शो होगी, ओके. लेकिन डॉट लिखूँगा तो देखें, ये सब आप चाइल्ड, आप पेरेंट को भी एक्सेस कर रहे हैं, ओके. अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पेरेंट, ओके, और यहाँ पर कर दूँ सेमी कॉलन, ओके, सेमी कॉलन सेव. इस तरीके से फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर यूज़ करूँ ब्रेक, ताकि ओके स्ट्रिंग में देंगे हम इसको ब्रेक. और नीचे आता हूँ, यहाँ पर ओ पी जे डॉट गेट पेरेंट किया था, और अब चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड क्लास से हम पेरेंट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है. और ये फंक्शन है, ठीक है, सेम. इतना काम कंप्लीट हुआ. अब मैं चेक करता हूँ, ओके, ये लास्ट टाइम किया था, तो इसको मैंने वॉच मोड पे नहीं है, तो मैं जाता हूँ डी डायरेक्टरी में, ओके. तो डायरेक्टरी चेक करूँ, यहाँ पर सी डी टी एस में जाता हूँ, ओके. तो टी एस डायरेक्टरी चेक करूँ यहाँ पर, तो जावास्क्रिप्ट का js का जो फाइल है hello.js, वो क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है. तो यहाँ लिखूँ टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर hello.ts, और यहाँ पर वॉच मोड -w, ठीक है. तो वॉच मोड पर ये लग जाएगा, ठीक है. तो अब मैं जब भी यहाँ सेव करूँगा, ठीक है, सेव करता हूँ, देखें गाइज यहाँ कोई एरर नहीं है, ओके. अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, तो देखें, सर आई एम पेरेंट,
सर आई एम चैट। ओके मीनिंग गाइस, अब चाइल्ड क्लास ने एक्सटेंड किया है पेरेंट को, पेरेंट क्लास को, तो पेरेंट क्लास के जितने भी मेथड्स और जितने भी फील्ड मतलब उसको एक्सेस कर सकता है। ओके तो गाइस ये था इनहेरिटेंस इन टाइपस्क्रिप्ट। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। स्टेप 1 वेक अप एंड गोइंग राइज़ विद द सन। स्टेप 2 गेट सम गुड सम फूड इन यू। स्टेप 3 थिंक ग्रो हार्ड अबाउट व्हाट यू वांट टू बी। स्टेप 4 Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation.